कोई दवा नहीं भगवान का वास है, मैं ऐसे जानना चाहिए। तो
में सर्वम जगत इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं वाय चक्षुओं के द्वारा वाय नेत्रों के द्वारा उन सब में भगवान का निवास स्थान है ऐसा हमें जानना चाहिए। अतः हम समझे कि सब में परमात्मा का वास है निवास स्थान है अतः इन सबका त्याग भाव से उपयोग करें। तेन तत्यंत भुंजीतामा तथा का शुद्रम अर्थात इन सबका त्याग के भावना से त्याग के भाव से उपयोग करें। लोभ ना करो लोभ मत करो लालच मत करो ये धन किसका है अर्थात ईश्वर प्रदत्त समस्त समस्याओं पर किसी का अधिकार नहीं है अर्थात इन संपत्त सभी का अधिकार है। इसमें बताया ईसा वाच्य मेदम सर्वत्याम जगत तेन त्यक्त्यन भंजी धामा दुर्गा का शिद्रम इस संसार में जो कुछ भी हम अपने नेत्रों से देखते हैं बाह्य चक्षुओं से देखते हैं उस सब में भगवान का निवास स्थान है हमें ऐसा मानना चाहिए। और इससे हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है जो कुछ भी हमें मिल रहा है उस सब का त्याग पूर्वक उपयोग करें किसी से द्वेष घृणा लालच न करें कि धन किसी का नहीं था इसमें सभी का अधिकार है सभी इसमें हिस्सेदार हैं इसमें सभी का अधिकार है। दोबारा सामान्य रूप में इसका अर्थ जाने इस संसार में जो कुछ भी जड़ चेतन है जो कुछ भी हम देख रहे हैं आंखों से उन सब में परमात्मा का निवास स्थान है इन सब में परमात्मा ईश्वर रहता है अतः इन सब का त्याग भाव से उपयोग करना चाहिए। आप सब इसका त्याग भाव से उपयोग करो लोभ मत करो ये धन किसका है अर्थात ये धन किसी का नहीं है ईश्वर प्रति समस्त संपदाओं पर किसी का एक का अधिकार नहीं था सभी का है। दोबारा प्रश्न इसमें कि ईशा वाच्यम एदम सर्वम इत्युक्त्वा जगत इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं उस सब में भगवान का निवास स्थान है इसलिए हमें तेन तत्यन भुंजीता जो हमें प्राप्त हो रहा है उसका हमें त्याग पूर्वक उपयोग करना चाहिए इसी से द्वेष घृणा लालच नहीं करना चाहिए इधर किसी का नहीं था सभी का अधिकार है इधर सभी का है। अब उसके बाद देखें अगला श्लोक इसमें दिया है शैलवतु शैलौ वरतु चै वीर्यं करवावे तस्मिन् नामधीतमस्तु मा विदुषावे शैलवतु शैलौ वरतु चै वीर्यं करवावे शैलवतु हम दोनों गुरु और शिष्य व्याख्या में हम दोनों गुरु और शिष्य साथ साथ नमन करें साथ साथ उसकी उपासना करें साथ साथ भोजन करें और साथ साथ पराक्रम पूर्ण कार्य करें तस्मिन् नामधीतमस्तु साथ साथ अध्ययन करें साथ साथ तेजवान हो हमें दूसरे कभी द्वेष घृणा ना करें तो सहनवतु सहनो गुणवतु सहवीर्यं करवावे तस्मिन् नामधीतमस्तु मा विदुषावहे कि निर्वास में कि सहनवतु सहनो गुणवतु सहवीर्यं करवावे शैलव तू हम सब लोग हम दोनों गुरुओं से साथ साथ हम और गुरु से ये प्रभु साथ साथ रक्षा करें साथ साथ पालन करें हम दोनों का साथ साथ हमारा अर्थात प्रसाद प्राप्त करें हम दोनों का अध्ययन ज्ञान युक्त हो और हम दोनों पर द्वेष न करें। सामान्य शब्दों में सुने इसके बारे में कि शैलव तू हम गुरुओं से साथ साथ दान करें साथ साथ भोजन करें और साथ साथ पराक्रम पूर्ण कार्य करें हम साथ साथ ईश्वर का की उपासना करें साथ साथ अध्ययन करें हम कभी दूसरे से द्वेष ना करें कभी दूसरे से ईर्ष्या ना करें। इसके बाद अंतिम इसके बाद अगला है इसमें श्लोक की उत्कृष्ट जागृत प्राप्त बोल उठो जागो विद्वान लोगों से ज्ञान प्राप्त करो उठो जागो और विद्वान लोगों से ज्ञान प्राप्त करो उत्कृष्ट जागृत प्राप्त कहता है ईश्वर से कहते हैं कि हे उत्कृष्ट जागृत प्राप्त उठो जागो और विद्वान लोगों से ज्ञान प्राप्त करो हे मानव उठो अर्थात उद्यम करो परिश्रम करो जागो अर्थात सजग रहो और श्रेष्ठ लोगों से ज्ञान प्राप्त करो श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करो तो उत्कृष्ट जागृत प्राप्त प्राण
उठो जागो और विद्वान लोगों से ज्ञान प्राप्त करो। इसके बाद अगला श्लोक है इसी में, यतो यथा समीहसे ततो नवयम कुरु, यतो यथा समीहसे ततो नवयम कुरु, सन्नान प्रजा भयो अभयम नहा पशु भया, यतो यथा समीहसे ततो नवयम कुरु, सन्नान प्रजा भयो अभयम नहा पशु भया। हम दोनों इसमें बताया गया है कि यतो यथा समीहसे, हे प्रभु, भक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, यतो यथा समीहसे, आप जिस जिससे चाहते हैं प्रभु ततो नो अभयम कुरु, आप उससे हमें निर्भय कर दो। भक्त कहता है प्रभु से, हे प्रभु, हम अनजान हैं, नासमझ हैं, हम नहीं जानते कि हम किससे डरे किससे न डरे, इसलिए प्रभु आप भगवान आप ईश्वर हैं, तो आप ही ऐसा करें कि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु, हे प्रभु, आप जिससे चाहते हो उससे हमें निर्भय कर दो। और सन्नान प्रजा भयो अभयम न पशु भया, हे प्रभु, आप अपनी प्रजा को पशुओं से और पशुओं को प्रजा से अभयदान दे दें, निर्भय कर दे, अर्थात हम सबका कल्याण करें, तो हे प्रभु, आप जिस जिस से चाहते हो उससे आप हमें निर्भय कर दीजिए। आप सन्ना प्रजा भयो अभयम न पशु भया, आप अपने पशुओं को प्रजा से और प्रजा को पशु से निर्भय कर दो, अर्थात हम सबका कल्याण करो। ये जो पाठ था वंदना पाठ, ये पहला, ये आज समाप्त हो गया वंदना पाठ। इसमें जो श्लोक बताए गए चार पांच, ये सभी श्लोक आप कंठस्थ याद कर लें, जब कंठस्थ याद हो जाए तो अर्थ बहुत आसानी से याद हो जाएगा। दोबारा एक बार पुनः सुन ले, इसे पढ़ने का तरीका क्या होता है सुन ले। विश्वानि देव सब तद्रुतानि पराशुवा यद भद्रं तन्नाशुवा। अब इसमें इसकी ज्ञान अनुवाद सुनने के बाद दोबारा, कि विश्वानि देव सब तद्रुतानि पराशुवा, हे प्रकाश के देवता भगवान सूर्य देव, आप हमारी समस्त बुराइयों, आप हमें समस्त बुराइयों से दूर कर दीजिए और जो हमारे लिए लाभकारी है कल्याणकारी है वो हमें प्रदान कीजिए। यद भद्रं तन्नाशुवा, अर्थात जो हमारे लिए कार्य है फायदेमंद है वो तो हमें प्रदान कीजिए। दूसरा श्लोक है, ईशावास्यम सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्कि जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन वंदिता मातृदा कशुद्रम ईशावास्यम इदं सर्वम। अनुवाद में सुने, ईशावास्यमिदं सर्वम, हम जो देख रहे हैं संसार में इन बाह्य चक्षुओं से उस सब में ईश्वर का निवास स्थान है। हमें ऐसा जानना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ भी है उन सब में कण कण में भगवान रहते हैं, निवास करते हैं, इसलिए हमें जो प्राप्त है तेन तेन भंजीता, जो हमें प्राप्त है उसका हम त्याग पूर्वक उपयोग करें और माँ गंगा का शोधनम, किसी से दोष से घृणा ना करें, क्योंकि ये धन जो भी है वो सभी का है, इसमें किसी एक का अधिकार नहीं, सभी का अधिकार है, सभी का है। तो हे प्रभु, हम ईसा वास्तव एकदम सर्वत्र इस संसार में जो भी देख रहे हैं उन सब में भगवान का निवास स्थान है, ऐसा हमें जानना चाहिए, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए और जो हमें प्राप्त हो रहा है उसका हम त्याग पूर्वक उपयोग करें, किसी से द्वेष से घृणा ना करें, लालच ना करें, क्योंकि ये धर्म किसी का नहीं, इसमें सभी का समान अधिकार है। दूसरा अंतिम तीसरा श्लोक है, उसमें देखें, शयनवतु शयनवनतु शयनवीर्यं करवावहै तेजस्विनी नामधीतम अस्तुम्बा विदुषा वहै, कि शयन हम दूसरे से दोनों साथ साथ ईश्वर की आराधना करें, शास्त्र को नमन करें, शैलो गुणतु साथ साथ भोजन करें और सहजम पराकर सहजम करवा वे और साथ साथ हम पराक्रम पूर्ण कार्य करें, तेजस्वी नाम भी तमस्तु साथ साथ हम तेजवान हों और साथ साथ अध्ययन करें, हम दूसरे से दोनों दूसरे से कभी घृणा द्वेष ना करें। इसके बाद अगला श्लोक है, उत्तिष्ठ जागृत प्रापरान्नवद, उत्तिष्ठ जागृत प्रापरान्नवद, उठो जागो और विद्वान लोगों से ज्ञान प्राप्त करो। इसको अनुवाद में देखें, पहले श्लोक है उत्तिष्ठ जागृत प्रापरान्नवद, इस उक्ति भी है तो उत्तिष्ठ उठो जागृत जागो प्राप्त प्राप्त करो ब्राह्मणवद ज्ञानी लोगों से, उठो जागो और ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त करो। अंतिम देखें श्लोक, इसमें यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु,
सन्ना कु प्रजा पयो अव्यवना पशु पया। अर्थात हे भक्त कहता है जैसे कि हे प्रभु आप जानते हैं कि ये तो यथा समी हसे कि आप जिससे चाहते हो उससे आप हमें निर्भय कर दो, हमें निडर कर दो, हमें अवैधान दे दो। और सन्ना कु प्रजा पयो अव्यवना पशु पया, आप अपनी प्रजा को पशुओं से और पशुओं को प्रजा से निर्भय कर दो, अर्थात हम सबका कल्याण करो। तो इसमें यही श्लोक था, ये पांच श्लोक इन्हें कंठस्थ करें जिससे कि जब कंठस्थ पूजा के पाठ याद करने में बहुत आसानी होगी और जो याद हुआ पुनः उसे दोबारा पूछ लें। ये आज की वीडियो आज इतना ही एक पाठ है, इसमें सभी श्लोक पाठ बता दिया, अनुवाद बता दिया। अब इसे ध्यान से याद करें और जो याद हुआ वो पुनः उसे दोबारा पूछ लें।